पंजाब यूनिवर्सिटी है जी पंजाब के लोगों को खोया जाए। हरियाणा ने अपने सारे यूनिवर्सिटियों को लिखा कि असी तो पैसा नहीं दे सकते, तुसी पब्लिक फंड तो पैसे कट्ठे करो, तुसी एलुमनाई तो पैसे कट्ठे करो, तुसी प्राइवेट सैक्टर तो फंड कट्ठे करो। अपने यूनिवर्सिटियों हजे हफ्ता पहला चिट्ठी लिख रहे हैं, सानू ऑफर कर रहे हैं। अपनी यूनिवर्सिटियां जिहड़ियां उन्हां कोल ने जिन्हां दे मालक ओह ने, साडी तां इंटर स्टेट बॉडी कारपोरेट है, उन्हां दी मंशा तां उही दस सकदे आ, बट सानू इस मंशा तो क्लीयर लग रहा है भी उन्हां दी मंशा ठीक नहीं है। हरियाणा कंडीशनली पैसे देने को तैयार है कि जे तुसी साडे कॉलेज अफिलिएट करोगे तो असी पैसे देने को तैयार हाँ। अगले वेरी नैक्सट ईयर कि हरियाणा च इलैक्शन ने उसका बेनीफिट लैन लिए गल मेरा ख्याल है की जा रही है, तो सानू हरियाणा के कॉलेज ना अफिलेटेड करने की लड़ है ना सानू उन्हां तो पैसे की लड़ है। पीएम साहब पंजाब के सरदार भगवंत सिंह मान जी ने असी बहुत शुक्रगुजार हाँ, उन्होंने फंड भी दिते है, अज जो स्टैंड लिया असी धन्यवाद भी करते हैं उन्हों का भी, सरदार हरजोत सिंह बैंस जी का भी, सिक्ख्या मंत्री जरा जिन्होंने उन्होंने हरियाणा को जवाब दिता कि असी सानू फंड तुहाडे नहीं चाहिए। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी। पंजाब यूनिवर्सिटी नू लैके पिछले दिनों दे विच एक तड़थली मची हुई है, हरियाणा दे नाल मीटिंग्स हुई ने, अज भी CM भगवंत मान ते हरियाणा दे मुख्यमंत्री जिहड़े ने मनोहर लाल खट्टर उन्हां दी मीटिंग हुई है, सैनेट मैंबर भी उहदे विच मौजूद सीगे। गलबात जिहड़ी है इस करके खिल रही हुई है या बार बार मीटिंग्स हो रही ने, क्योंकि हरियाणा जिहड़ा अपनी हिस्सादारी मंग रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच, सैनेट दे विच भी मंग रहा, सैनेट मैंबर साडे नाल ने। सर मसला की है जी, कित्थे कि गल अड़ी हुई है? पहली गल तो हरियाणा कंडीशनली पैसे देने को तैयार है कि जे तुसी साडे कॉलेज अफिलिएट करोगे तो असी पैसे देने को तैयार हाँ। ना तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने हरियाणा तो पैसे मंगे, ना असी उन्होंने कॉलेज अफिलिएट करने लई कोई गल की, वो आप करना चाहते हैं क्योंकि अगले वेरी नैक्सट ईयर कि हरियाणा च इलैक्शन ने उसका बेनीफिट लैन लिए गल मेरा ख्याल है की जा रही है। CM साहब का असी धन्यवाद करते हैं, हरजोत बैंस जी का, मानयोग सिक्ख्या मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये फैसला किया कि पैसे की कोई शॉर्टेज नहीं आएगी, और अशोर्ड किया पंजाब यूनिवर्सिटी भी, अशोर्ड किया सैनेट मैंबर भी, अशोर्ड किया तो सानू हरियाणा के कॉलेज ना अफिलेटेड करने की लड़ है ना सानू उन्हां तो पैसे की लड़ है जी। बिल्कुल, जितों तक CM भगवंत मान की गल करिए, जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने तो गल क्लीयर ही अज कर दी कि असी बिल्कुल भी हरियाणा नू किसी तरीके का हिस्सादारी पाने की गल नहीं कर सकते, चाहे पैसे की भी गल करते। जो तुम पैसे की गल की है, ऑफर की CM साहब ने अपने डायस तो भी कहा, पर बावजूद उसके जो देखा जाए तो हरियाणा की जी यूनिवर्सिटी है वो तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उत्थे हरियाणा ने मना भी कर दिता एड देने तो, इधर थोनू दे रहे, थोनू नहीं लगता कि यह बहुत ही अजीब जी कॉन्फिगरेशन हो रही है? देखो जी, मैं तुहानू लैटर दिखा सकदा, हरियाणा दा लैटर है, हरियाणा ने अपने सारे यूनिवर्सिटियां नू लिखा है कि असी तुहानू पैसा नहीं दे सकते, तुसी पब्लिक फंड तो पैसे कट्ठे करो, तुसी एलुमनाई तो पैसे कट्ठे करो, तुसी प्राइवेट सैक्टर तो फंड कट्ठे करो। अपनी यूनिवर्सिटियां नू हजे हफ्ता पहला चिट्ठी लिख रहे ने, सानू ऑफर कर रहे हैं। अपनी यूनिवर्सिटियां जिहड़ियां उन्हां कोल ने जिन्हां दे मालक ओह ने, साडी तां इंटर स्टेट बॉडी कारपोरेट है, साडी तां सारा कुछ सेंटर तो चल रहा, सेंटर पैसे दे रही है, चांसलर साहब साडे इस वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया चांसलर ने, वो सानू क्यों पैसा दे रहे हैं? उन्हां दी मंशा तां उही दस सकदे आ, बट सानू इस मंशा तो क्लीयर लग रहा है भी उन्हां दी मंशा ठीक नहीं है। नाम चलता, नाम बेचना चाहते हैं, जिवें कोई पिक्चर चलती है अमिताभ बच्चन की, कोई पिक्चर चलती है शाहरुख खान की, कोई रेखा की, उन्होंने लोग देखने जाते हैं, बाद देख के पता लगता भी की सी पिक्चर च, पिक्चर भावें माड़ी भी हो। इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी का जोड़ा नाम है उन्होंने खरीदने की कोशिश की जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम चंडीगढ़ 35% बच्चे हरियाणा के पढ़ रहे हैं, उन्होंने होस्टल दिता जा रहा, उन्होंने सारिया फैसिलिटियां दी, असं इंफ्रास्ट्रक्चर बनावे। सपोज करो उन्होंने गल कोई मनता है, तो जेडे अंबाले तो बच्चे साढ़े को आ रहे हैं, साढ़े को करनाल तो बच्चे आ रहे हैं, वो साढ़े को नहीं आएंगे, तो साडा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ वो किस काम का? असी क्यों उन्होंने इतने आन दईए? बच्चे इतने आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मैरिट से एडमिशन होंगी है, वेलकम जी। जितों तक गल करिए, देख जिस तरीके दे नाल आपां देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की जिहड़ी है काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी खलारा जहा पै गया, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले बनाने की गल की गई सी, प्रकाश सिंह बादल की भी एक चिट्ठी का जिक्र बार बार आ रहा है जी, 2007-08 के जी आई सी, वह सारा का सारा जरा वर्तारा, तो अज की जी चिट्ठी आई है या जी अज की मीटिंग चल रही है, ये की डिवेलपमेंट्स ने या वो की चीज़ सी? ये वक् वक् सेंटर गौरमेंट्स वेले ये चलता रहा भी पंजाब यूनिवर्सिटी है जी पंजाब के लोगों को खोया जाए, पंजाब यूनिवर्सिटी के पंजाब दीयां भावनावां, पंजाबीयत दीयां भावनावां पंजाब यूनिवर्सिटी नाल जुड़ियां होईयां, इसे करके अबोहर बॉर्डर ते है, अबोहर के कॉलेज भी किसी होर यूनिवर्सिटी नाल जाण नूं तैयार नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी नाल ही जुड़े हुए है। ये हैरीटेज यूनिवर्सिटी है,
एक कुर्सी चोरी हो जाए ना यूनिवर्सिटी तो उसके ते असी FIR हैरीटेज के अंडर एक्ट के थले तो दर्ज कराने तो असी अपनी यूनिवर्सिटी को साडा जो मर्जी विक जाए पर असी यूनिवर्सिटी को इतों जान नहीं देवांगे और अपनी मर्जी नाल उन्होंने कॉलेज इतों विड्रा किए ने असी उन्होंने कुछ नहीं किया आप विड्रा करके गए ने हुण क्यों कॉलेज है भी अपनी स्टेट का या तो वह मन भी असी प्रॉपर कॉलेज नहीं चला सकते वो ग्रांट के बहाने नाल साडे नाल कॉलेज जोड़ना चाहते हैं। प्रभजीत जी जितों तक गल की जाए मोटे तौर पर जो सैनेट के भी जो अपनी जी हाज़री जी उ लवाना चाहते या वह कह सकते कि अपने बंदे इंडक्ट करवाना चाहते हरियाणा का वह भी पक्ष एक हैगा सैनेट की जी बनतर हैगी बारे थोड़ा समझाओ किस तरीके दे नाल जिहड़ा सारा का सारा कामकाज है और सैनेट के जो वह करते या जो उन्होंने भी इंडक्शन होंगी है तो वह की सारा सीन है। जो सैनेट के ने 91 मैंबर ने जी उदे चों 8 लैक्चरर कॉन्स्टिट्यूएंसी चों 8 प्रिंसीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी चों 15 रजिस्टर्ड ग्रैजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी चों कुछ टैक्नीकल एजुकेशन के जोड़े कॉलेज ने उन्हों चों कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चो इलैक्ट होकर आते हैं 36 मैंबरस का जोड़े ये चांसलर साहब जो वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने वो अपने लैवल से नॉमीनेट करते हैं नहीं जी नॉमीनेट एक्स ऑफिशियो मैंबर भी होंगे उद्देश्य CM पंजाब हायर एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब हायर एजुकेशन के साडे DPI साहब ये एक्स ऑफिशो मैंबर ने चंडीगढ़ के जोड़े एडवाइजर साहब ने वो एक्स ऑफिशो मैंबर ने चंडीगढ़ के DPI है जोड़े वो अज की डेट पहला 11 एक्स ऑफिशो मैंबर होंगे हूँ अज की डेट से 5 एक्स ऑफिशो मैंबर है पहला हिमाचल वेले भी हिमाचल के CM साहब भी मैंबर होंगे हरियाणा के CM साहब भी मैंबर होंगे इस करके उन्होंने इतने कन्वोकेशन जो होंगी सी उन्होंने बुलाया जाता है मनसी लाल जी इसे करके विड्रा करके गए शायद उन्होंने ईगो प्रॉब्लम से कि उन्होंने कुर्सी थले स्टेज पर नहीं मिली तो थले मिल गई इन्नी गल करके उन्होंने हरियाणा के लोगों का नुकसान करता ठीक है पर हुण जदों वो 30 साल बाद जदों सारे पे स्केल लागू हो चुके 1996 का भी लागू हो गया 2016 का भी लागू हो गया उदो हरियाणा ने साडी सारनी लई अज सडनली वो इलैक्शन के नेड़े साडे नाल क्यों आना चाहते हैं उन्होंने मंशा तो वो ही दस सकते भी क्यों आना चाहते साडे नाल बट सानू लोड़ नहीं है उन्होंने असी नहीं एफिलेशन उन्होंने दे सकते। ऑलरेडी जो गवर्नर साहब ने भी काफ़ी इंट्रस्ट लै रहे हैं भी मीटिंग्स वगैरह लै रहे ने इस मामले के और हरियाणा के CM पंजाब के CM की दूजी तीजी मुलाकात हो गई है 3 जुलाई में फिर तो दोबारा तो मीटिंग रखी गई है तुहानू की लगता भी इस सारे का की यूटी जिहड़े एडमिनिस्ट्रेटर या फिर गवर्नर ने वह भी मीटिंग्स लै सकते हैं तुहाडी की इहदे विच राय या की इसका हैगा। देखो एक सारे स्टेक होल्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है तो पंजाब गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है बिकॉज दे आर गिविंग फंडस एक सैनेट है जिहड़ी एफिलेशन दिंदी है सिंडीकेट है जिहड़ी डे टू डे फंक्शन अटेंड करती है सारे स्टेक होल्डर चो मेरा नहीं ख्याल भी कोई भी स्टेक होल्डर यह चाहता है कि हरियाणा के कॉलेज नूं असीं अपने नाल जोड़िए जिथों तक उन्हां दा एडमिनिस्ट्रेशन च तलक है कि असी सैनेट के स्ट्रक्चर से असी अंदर जावांगे वह तो बैकडोर एंट्री करके क्यों आना क्यों चाहते हैं इन्हें तो पता ही लगता भी उन्होंने इंटेंशन माड़ी है इस करके वो आना चाहते हैं नहीं तो अदरवाइज इतने आने की लोड़ ही नहीं है। उही वाली गल बार बार आ रही भी काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं हरियाणा के इन्हों लैके उत्थे तो यह कहें भी अपने आप पैसा इकट्ठा करो इस जी पॉलिटिक्स हो रही है खास करके पिछले दिनों के दूजी भी एक गल की गई जिस के नाल कि पंजाबी पंजाब भी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी तो लाहमे करन की गल की गई सी इह सारियां सारियां गल्लां ने पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम अपने आप दे विच पंजाबी खिते विच होवे और उत्थे पंजाबी ना पढ़ाई जाए जबकि बाद चो स्टेटमेंट आ गई भी रिटेन भी कर रहे हैं इह सारियां चीज़ां तुहानू लगता नहीं कि पंजाब नाल किते ना किते धक्का हो रहा बिल्कुल धक्का हो रहा जी ये जिहड़ी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी है उहदे च क्रैडिट घटाए गए सी क्रैडिट का मतलब है सिलेबस घटा दो उन्हां दी गिनती घट जाएगी पंजाबी दी जगह ते शायद कुछ होर हो रहे पर जदों सैनेट ने प्रैशर पाया पब्लिक ने प्रैशर पाया गवर्नमेंट ने प्रैशर पाया असी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिहड़ी अडोप्ट की है इस साल तो यूनिवर्सिटी अडोप्ट होएगी अगले साल तो कॉलेज होएगी और एक भी पीरियड एक भी जिहड़ा क्रैडिट है वह पंजाबी दा घट नहीं होएगा और जिथे जिथे बाकी लैंग्वेज है उत्थे उत्थे ही रहणगे जे बाकी लैंग्वेज नूं असी प्रोत्साहित करांगे तां उन्ना ही होर पंजाबी नूं प्रोत्साहित करांगे फिर उहदे नाल डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाएगा। प्रभजीत जी जिथों तक गल करिए सैनेट मैंबर जी कि तुसीं भी इस सारी चीज़ नूं लैके तुहाडी मीटिंग हुई उहदे विच की एजेंडा रखा गया पॉइंट टू पॉइंट की डिस्कशनस कीतियां गईआं ते की एक्शन प्लान तुसीं या कोई किसी तरीके का तुसीं प्लानिंग उलीकी हैगी है क्योंकि यह मसला तो हजे रुकण वाला लगता नहीं हैगा चाहे CM भी विच आप ना कोरी कर गए ने पर मीटिंग तो हजे भी फिर भी 3 जुलाई नूं रखी गई है। देखो जी जिहड़ी मीटिंग करनी है CM साहब का पैरोगेटिव है जदों गवर्नर साहब मीटिंग बुला रहे हैं तो CM साहब जा रहे हैं सैनेट का जिहड़ा क्लीयर रोल है कि असी हरियाणा के किसी भी कॉलेज नूं अफिलेशन नहीं देना चाहते ना सानू लोड़ है ना सानू पैसे की लोड़ है वह तो सिर्फ पैसे करके सब तो अफिलेशन लेना चाहते हैं जिवें कोई चीज़ विक रही है तो तुसी जाके खरीद लो
पंजाब यूनिवर्सिटी विकाऊ नहीं है, ना ये फिलेशन विकाऊ देंगे तो ना ये सानू पैसे की लड़ है। इस करके साडा क्वेश्चन ही नहीं है भी उन्होंने असं एफिलेशन दे दिए ना सानू फंड लड़ है। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੰਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਸਟਲਸ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੈਨੇਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਫੀਲੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਨਾਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਓਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਅਰੈਂਸ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚਲਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।